आदाबर से नाजीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर के ऐलान के बाद असम्बली में तहरीरी जवाब उर्दू में तकसीम किए गए। उर्दू सहाफियों और अराकीन असम्बली में खुशी की लहर। रियासत के किसानों को 1 जनवरी 2018 से 24 घंटे बर्फी सरबरा की जाएगी। वजीर आला केसीआर ने असम्बली में किया ऐलान। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कमेटी की तश्कील। मेट्रो रेलवे लाइन के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर। रियासती वजीर केटीआर का असम्बली में बयान। सरूनगर और मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में रहजनी की वारदातें। तिलाई जेवरात उड़ा लिए गए। रच्चाकुंडा कमिश्नर ने लिया सख्त नोट। मुतालिका पुलिस को कार्रवाई करने की दी हिदायत। मल्लेपल्ली अफजल सागर का साकिन 19 साल नौजवान कुआरी तालाब में गरखाब। सेल्फी लेने के दौरान पेश आया हादसा। आरजीआई पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली में जुमेरात को उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का ऐलान किया था और फौरी तौर पर तेलंगाना असम्बली में इसका रद्द अमल देखा गया। पीर को वज़रा की जानिब से वक्फ सवालात के जवाब तहरीरी तौर पर जो सरबरा किए गए, इसमें अंग्रेजी तेलुगु के साथ साथ उर्दू भी शामिल थी। उर्दू मीडिया के अलावा उर्दू दान अराकीन असम्बली में इस मौके पर खुशी की लहर दौड़ गई। वाद रही कि मजलिसी फरोडा रकबुद्दीन अवैसी ने रियासत भर में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के लिए कामयाब नुमाइंदगी की थी। तेलंगाना असम्बली में जारी किसानों को देने वाले 8,000 रुपए पर मुख्तसर मबाहिस का रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जवाब दिया। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत भर में किसानों को 1 जनवरी से 24 घंटे बर्फी सरबराह करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना किसानों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया था। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहियुद्दीन ने भी इस सिलसिले में सवाल किया। तेलंगाना असम्बली में जारी किसानों को दिए जाने वाले 8,000 रुपये पर मुख्तसर मुबाहस का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जवाब देते हुए इस बात का ऐलान किया कि किसानों को 24 घंटे बर्फी सरबराह करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस रुकन असम्बली चिन्ना रेड्डी को बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के किसानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया था, जबकि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम किए जा रहे हैं और हुकूमत किसानों को 8,000 रुपये फरहम करते हुए उनकी फलाह बहबूद कर रही है। वजीर आला ने रायतू समिति के क़याम के फैसले को भी हक बजानिब करार दिया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहियुद्दीन ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए बताया कि हुकूमत के इस फैसले से छोटे और मुतवसित किसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है। उन्होंने हुकूमत से वजाहत चाही कि हुकूमत वक्फ और इंडोमेंट अराजियात से जो किसान ज़िरात कर रहे हैं उनके बारे में क्या गौर कर रही है, हुकूमत इसकी वजाहत करे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आपने मौका दिया बहुत अहम किसानों के ताल्लुक से, जो रैतु समय समिति का जो आपने हुकूमत तेलंगाना ने जो डिक्लेयर किया रियासत तेलंगाना के अंदर
किसानों का परसेंटेज 80 से 85% किसानों का परसेंटेज है, जिसके अंदर किसान या छोटे या औसत किसान है। और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो किसान समिति जो बनाई गई और उसके बाद जो 8,000 रुपये पर एकड़ को देने का ऐलान किया गया हुकूमत, और मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूं कि या ये 8,000 रुपये या पट्टेदार को दिया जाएगा या हौलदार को दिया जाएगा। और एक एक बात, क्या जो रकम 8,000 रुपये पर एकड़ किसान को देने के बाद दी जा रही है उसके अंदर क्या वो किसान वड्डी ऋणम के तौर पर बैंक लोन हासिल कर सकेगा? और अगर कोई किसान पहले से बैंक लोन लिया हो या हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 8,000 रुपये अकाउंट में जमा करने के बाद गारंटी क्या है वो कट कर दिया जाएगा? स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट के बाद कट करने के बाद जो गरीब और आदिवासी किसान सरकारी ज़मीन पर खेती करता है उसको या इमदाद हासिल होगी? कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर गरीब किसान वफ लैंड पर या टेम्पल इंडोमेंट लैंड पर में खेती करता है, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब। शुक्रिया। नवजात तेलंगाना मोहम्मद महमूदी ने तेलंगाना असेंबली में हुकूमत की जानिब से पट्टेदार पासबुक की तब्दीली के सिलसिले में बिल पेश करते हुए मबाहिस का आगाज किया। बाद इस बिल को ऐवान ने मंजूरी दे दी। हवेली मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने इस बिल की तायीद करते हुए वजाहत चाही थी कि जिन अराजियात पर पुराने मालिकीन के नाम मौजूद हैं और अब वो दूसरों के हवाले किए गए हैं तो वो किसके नाम पर रहेंगी? जितने पुराने पट्टा पासबुक है ये खत्म हो जाएंगे, नए पट्टा पासबुक एंट्री होंगे, बड़ी खुशी की बात है मैडम। और इसके अलावा जितने भी बैंक में पासबुक रखे हुए अब उसको चूंकि नया नंबर आ जाएगा, नया पट्टा पासबुक इशू करेंगे तो वो तो पासबुक जो भी पट्टेदार रहेगा उसको इशू होंगे। एक और चीज़ एक अहम ये है मैडम, मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कई लैंड ऐसे है जो ओल्ड नेम कंटिन्यूस आ रहा है अभी तक उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वैसे लैंड के ऊपर क्या जो प्रेजेंट ओनर है उसके नाम पे पट्टा पासबुक इशू करेंगे या जो आदमी का नाम एक जमाने से चल लेते आ रहा उसके बारे में? और एक चीज, जो सादा बैनामा के ऊपर भी आप पट्टा पासबुक इशू करेंगे। अब ये जो इनाम लैंड है, परम्बोक लैंड है, इसका क्या करने वाले हैं ये भी चीज एक बताइए साहब। और एक अहम बात ये है कि जो वक्फ लैंड है मैडम, जो एग्रीकल्चर वक्फ लैंड है उसके पट्टे पासबुक के लिए हुकूमत क्या डिसीजन लेने वाली है उसको भी थोड़ा क्लियर करके अगर आप ये बिल पास करेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। और एक लास्टली मैडम, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर दो दो तीन तीन ओनर्स क्लेम कर रहे हैं, वैसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को आप क्या करेंगे, कब तक विथल्ड रखेंगे, पट्टा पासबुक आप इशू करेंगे तो उसके लिए भी कैसा करेंगे, ये चीज बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हम ये बिल की तायद करते हैं मैडम। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे दादा की प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे नहीं, मेरे बाबा की प्रॉपर्टी है, कुछ लोग नाजायज कब्जे करें अध्यक्ष, मगर इस सर्वे के अंदर जिसकी जमीन है अध्यक्ष उसी का रिकॉर्ड उसके नाम लिखा जाएगा अध्यक्ष, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर हर तमाम लोगों ने खासतौर से बैंक की बात कही अध्यक्ष ज्यादातर, और राममोहन साहब जो तिमलापुर की जागीर के लोगों के इनाम की बात करें, आदिवासियों की बहुत बड़ी अहमियत है तमाम पक्ष, वो बहुत गरीब है अध्यक्ष, उनके लिए जो सहूलत पहुंचाना चाहिए डेफिनेट उनकी पहुंचाई जाएगी अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि हमारे आनेबल सीएम साहब हमेशा यही चाहते थे कि कैसा भी हमारे फार्मर जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो बेकस बेसहारा है, उनकी मदद हो सके, ऐसा ना हो क्योंकि सरमादार उस पर काबिज हो सके। अगर आदिवासी लोग अगर खरीद चुके हैं डेफिनेट हम बराबर हम कलेक्टर को हिदायत देंगे, और इस सर्वे के में जो सेकंड सर्वे के अंदर और बहुत से हमारे मेरा साहब भी गए वक्फ प्रॉपर्टी के बाद या दूसरी प्रमुक लैंड या इनाम लैंड, तो इसके ऊपर जो सेकंड फेज का सर्वे अध्यक्ष उसके अंदर ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज जिसके अंदर केसेस चल रहे, अगर जो कोर्ट में केस चल रहा है वो उसी तरह रहेगा अध्यक्ष, जो एमआर के पास केस चल रहा है या आरडीओ के पास केस चल रहा है या जेसी के पास केस चल रहा है, तो कलेक्टर को पूरी
पावर दिया गया अध्यक्ष, वो तमाम फाइल मंगा कर सेकेंड फेज में उनको जल्दी से जल्दी उनका तस्वीर किया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष स्टेप बाय स्टेप जाने में आदमी को बरसे गुजर जा रहे हैं और फार्मर्स काफी परेशान है। और 30 डेज की जो बात एक बताए थे वो 90 डेज के बजाय हमारे राम मोहन रेड्डी साहब डेफिनेट कल बातचीत होगी 30 डेज। हम सीएम साहब यही चाहते हैं कि मसाइल जल्दी से जल्द हो जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी प्रोसीजर के अंदर लोगों को काफी तकलीफ होती है। अध्यक्ष हज 2018 के सिलसिले में दरख्वास्त फॉर्म्स की इजराई का अमल 15 नवंबर से शुरू होगा जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। दरख्वास्तें ऑनलाइन भी दी जा सकती हैं। हज 2018 के सिलसिले में मरकजी हज कमेटी की जानिब से जारी की गई हिदायत और रहनुमायाना खतूत पर स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर एस ए शकूर ने तफसीलात बताई। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि हज 2018 के सिलसिले में भी मरकजी और रियासती हज कमेटियों की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीलियां की गई है, वो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि हमेशा कवर में 5 अफराद अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस मरतबा एक कवर में सिर्फ 4 आजमीन अप्लाई कर सकते हैं और 2 शीरखार बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो, ऐसे 2 शीरखार बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं एक कवर में। और दूसरी अहम बात यह है कि रिज़र्व कैटेगरी के अंदर गुज़िश्ता सालों में 2 रिज़र्व कैटेगरी थे हमारे यहाँ, 1 70 साल से ज़ायद उम्र की रिज़र्व कैटेगरी, दूसरी 4थी मरतबा जो अप्लाई करते हैं, 3 मरतबा जिनका खुरा में नाम ना आया हो। इस मरतबा 1 रिज़र्व कैटेगरी को बर्खास्त किया गया है, 4थी मरतबा की रिज़र्व कैटेगरी को बर्खास्त किया गया है। सिर्फ 1 ही रिज़र्व कैटेगरी है, वो है 70 साल से ज़ायद की उम्र की। और एक अहम तब्दीली ये है कि महरम के लिए, इससे कबल महरम के लिए एक खातून अगर आदिम है तो उनके लिए एक मर्द की शर्त थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीली की गई है सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कि 4 ऐसे खवातीन जिनकी उम्र 45 साल से ज़ायद हो वो ग्रुप की शक्ल में जा सकते हैं बग़ैर महरम के, लेकिन उनका थाट ऑफ स्कूल, उनका अगर मसलक उनको परमिशन देता हो तो वो लोग जा सकते हैं। एक तब्दीली आई। और तीसरी तब्दीली ये है कि जो गुज़िश्ता 3 सालों में अगर हज को गए हुए हैं 3 सालों में या उम्रे को गए हुए हैं तो उनको ज़ायद 2000 रियाल पे करना पड़ेगा, जो सऊदी हुकूमत का एक रूल है, उसके साथ वो लोग अपने जी हाँ हज या उम्रा दो में से कोई एक चीज़ भी करें तो जो है उनको वो करना पड़ेगा। और अब की मरतबे अभी 2 हमारे पास ज़िम्रे हैं, एक अदीदिया है और दूसरा ग्रीन है, ये 2 ज़िम्रे उसी तरीके से हैं जो पहले थे। और इंशाल्लाह ताला खुरा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला खुरा अंदाजी अमल में आएगी और फ्लाइट का डिपार्चर रहेगा इंशाल्लाह 11 जुलाई 2018 से और जो है 13 अगस्त 2018 तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। अरफात का जो दिन रहेगा वो 20/8/2018 को अरफात का दिन होगा इंशाल्लाह ताला। जो भी हमारे आजमीन जो पासपोर्ट नहीं बना ले हैं तो उनसे हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द अपना पासपोर्ट तैयार कर लें और पासपोर्ट भी 2019 तक, पासपोर्ट 14 फरवरी 2019 तक वैलिड होना चाहिए, अगर उससे पहले ख़त्म होता है तो वो अपना रिन्यूअल करा लें पासपोर्ट। फिर एक मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट इशू है, पासपोर्ट 14 फरवरी 2019 तक वैलिड होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका पासपोर्ट वैलिड है। तो हज फॉर्म अप्लाई करने की और हमारे पास लेने की 15 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक आखिरी तारीख है इंशाल्लाह ताला। फॉर्म हज हाउस में दिए जाएंगे या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइट से, इंशाल्लाह ताला हमारे साइट पर भी फॉर्म आने के बाद स्टेट हज कमेटी के साइट पर भी हम फॉर्म डालेंगे। तो कल हम लोग इंशाल्लाह ताला कल यानी कि 14 को पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ को हम यहाँ हज कमेटी में इन्वाइट कर रहे हैं और उनको नए रूल्स बोले बता देंगे और उनको भी फॉर्म उनके हैंड ओवर कर देंगे इंशाल्लाह। अजला में भी 15 से फॉर्म दिए जाएंगे इंशाल्लाह।
رچاکنڈا کمشنریٹ حدود میں واقع سرو نگر اور میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں دو رہزنی کی وارداتیں انجام دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق سرو نگر میں ہوئی رہزنی کی واردات میں 3 تولے طلائی زیور اڑا لیے گئے، جبکہ 2 افراد بائک پر آئے اور رادھا نامی خاتون کے گلے سے طلائی زیور اڑا لیے گئے۔ اسی طرح پر گایتری نگر میں ارونا نامی خاتون کے گلے سے رہزنوں نے 5 تولے طلائی زیور اڑا لیے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھاگوت نے دونوں وارداتوں کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹ لیا اور متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو سختی سے نمٹنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ సార్ నేను 7:10 ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళాను గుడికి, అయితే పాలు తీసుకున్నాను షాప్ దగ్గర అభిషేకం చేయించడానికి. అక్కడ మార్వాడి షాప్ ఉంది టర్నింగ్ లో, ఆ షాప్ దగ్గర ఒక అంకుల్ కలిస్తే మాట్లాడాను, గుడి నుంచి వస్తున్నాడు, ఏమమ్మా లేటుగా వస్తున్నావు అని అంటే, లేదు అంకుల్ కొంచెం లేట్ అయింది ఈ రోజు అని అన్నాను సార్. అని గుడి దేశలో వెళ్తున్నాను సార్ నేను, ఇంకేమి కొంగు మామూలుగా ఇలాగా వేసుకొని వెళ్తున్నాను. అయితే అది కొంచెం టర్నింగ్ కాగానే అక్కడ ఇదేంది కంకర కుప్ప ఉంది సార్, వాళ్ళ ఆ కుప్ప దగ్గరనే సార్ అటు నుంచి వస్తున్నారు సార్, గుడి నుంచి వస్తున్నారు, ఎవరో టెంపుల్కి వెళ్ళిన రేటో అనుకుంటాం కదా సార్, మేము నేను దొంగనే అనుకోలేదు సార్ వాళ్ళని. వస్తూ వస్తూ ఇక అడ్డ ఇట్లా వచ్చేసి ఇక ఇట్లా ఈ పక్కన కొంచెం చైన్ కనపడ్డా సార్, అది బట్టి లాగితే అదే వాళ్ళ దగ్గర ఏముందో జాకెట్. میڈچل پولیس نے گوڈالی علاقے میں دھاوا کرتے ہوئے تقریباً 9 افراد کو حراست میں لیا اور بھاری مقدار میں گٹکا اور دیگر اشیاء بھی ضبط کی گئیں۔ اے سی پی پیٹ بشیر آباد سائبر آباد ایس نواس راؤ نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بابسوخ اطلاع پر کارروائی کی گئی اور 7 افراد جن میں اپلا کرن کمار، سونو کمار، جیتیندر لوکیش مشرا، اجے رات، گکارام، دارو رام کے علاوہ دیگر کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے دیگر 3 افراد کو بھی حراست میں لیا ہے، بارہ ملزمین کو ضبط شدہ اشیاء کے ہمراہ عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جملہ 10 افراد اس میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کی گرفتاریاں انجام دی گئی ہیں۔ کنواری تالاب میں تیراکی کی غرض سے گیا ایک نوجوان سیلفی لینے کے دوران حادثہ پیش آیا اور فوت ہو گیا۔ آج ہی آئی ہے پولیس کے مطابق 8 طلبہ ساکنان ملے پلی افضل ساگر کنواری تالاب واقع شمش آباد تیرنے کی غرض سے گئے تھے، جس کے دوران 19 سالہ بھاسکر سیلفی لینے کی چکر میں پیر پھسلنے سے گر گیا اور موت واقع ہوئی۔ تقریباً 4 بجے اس کی ناش کو پانی سے نکالا گیا۔ 8 طلبہ کے منجملہ 5 طلبہ مفرور بتائے گئے ہیں، جبکہ 2 کو آر جی آئی اے پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ناش کو غرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا۔ فوٹو شوٹ کرنے آئے تھے دونوں اندر، اور جاتے جاتے بول کے یہاں تک گیا پانی میں فرسٹ تو، پھر بعد میں کیا ہوا، ایک دم سامنے آیا، پھسل کے گر گیا، گر کے ارے میرے کو پکڑو پکڑو بولا، میں جلدی جلدی بھاگا پکڑنے، تو نہرے میں اچھا میرے کو آتے سے بول کے بولا، پھر اور اندر جاتا بول کے پیچھے سرکا نے پاؤں پھسل کے گر گیا، مذاق کرا سمجھ کے میں پکڑنے نہیں گیا، پھر بعد میں ایک دم انہیں اندر ڈوبتے کہ میں جلدی جلدی میں کملے پلی پاس کرا بنا నాకైతే వచ్చాను ముందుగా దిగాడు, దిగుతుంటే ఫోటో మిగతా వాళ్ళని ఫోటో తీసుకుంటాను, ఫోటో తీసుకుంటే మీరు భయ నాకేం ఎత్తు వచ్చి మీరు వాళ్ళు రావసం లేదు నేను చేస్తాను అన్నాడు. అయితే వ్యక్తి దిగిన తర్వాత మునిగి ఒకసారి మునిగిపోయాడు అనమాట. మునిగిపోతే వీళ్ళు భయపడి వాళ్ళ బ్రదర్ అని చూసుకుంటే మనకి బాణిచంద్ అనమాట, ఆ బాణిచంద్ర వాడికి ఫోన్ చేస్తే వాడు మనకి తీసుకొచ్చి సరళ జరిగిందని చెప్తే, ఇప్పుడు దాని గురించి ఈ క్వారీస్ అంతా మనం ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఈత గజతి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బాడీ ఇంకా మనకి దొరకలేదు, ఈ మూమెంట్ ఇంకా జరుగుతుంది ఇలాగ. సార్ ఇంతకుముందు కూడా ఈ క్వారీ గుంతలో చాలామంది విద్యార్థులు వచ్చి చనిపోతున్నారు, మీరు కూడా ప్రత్యేకంగా కూడా బోర్డులు పెట్టించు, అయినా కూడా పెట్టి విద్యార్థులు వచ్చి పదే పదేగా చేస్తారు.
అదే మా బీసీ పెట్రోల్ మొబైల్ కూడా మనకి సండే వచ్చేసరికి సిటీ నుంచి సండే కావడం వల్ల సిటీ నుంచి మనకి ఎక్కువ పిల్లలు వస్తుంటారు. అది సండే మా పెట్రోల్ మొబైల్ బీసీ కూడా ఇక్కడే పెడుతుంటాం. ఈ దారులు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇటు నుంచి ఎవరు వస్తారని మనకు కరెక్ట్గా తెలియకపోవడం వల్ల ఈ జరుగుతుంది కదా. JHMC عہدیداروں کی جانب سے جیڑی مٹلا کے علاقے میں واقع ایک غیر قانونی یونٹ پر دھاوا کیا گیا اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی. تفصیلات کے مطابق JHMC اور فوڈ آفیشلز کے جوائنٹ آپریشن میں سبھاش نگر میں واقع ایک نوڈلز مینوفیکچرنگ کمپنی پر دھاوا کیا گیا جو غیر قانونی طور پر اور بغیر کسی لائسنس کے چلائی جا رہی تھی. دعوے کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حالت میں نوڈلز تیار کیے جا رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. فوری طور پر JHMC کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کی گئی اور اس یونٹ کو مہر بند کر دیا گیا. رنبدار پولیس نے 10 سالہ لڑکی کے ساتھ ناشائستہ سلوک کرنے والے ایک ملزم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا. تفصیلات کے مطابق رنبدار پولیس کو شکایت موصول ہوئی تھی کہ 10 سالہ لڑکی کے ساتھ 31 سالہ محمد وسیم اور فقیر محمد ساکن امان نگر یاقوت پورہ نے بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا ہے. 31 سالہ محمد وسیم ولد فقیر محمد کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا. ایس پی میر چوک ڈویژن بی آنند نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے بھی واقف کروایا. والا انٹکی ویلی والا نانا لینی سمیم لو کیولم والا امائی والا مدر ماتر میں انٹلو ہوں دی. ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయి యొక్క అంటే ఆ అమ్మాయి 10 సంవత్సరాల అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉండటం చూసి ఆ అమ్మాయితోటి కొంచెం ఆమె శరీర భాగాల్ని తడుముతూ వికృత చేష్టలు చేసి ఆమెకి సెక్సువల్ అఫెన్స్ చేయటానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో ఆ అమ్మాయి అరవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే కూడా అతడు ఆమె అమ్మాయి మూతి మూయటానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అందులోనే పక్కన ఉన్నటువంటి పక్క రూమ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మదరు తర్వాత వాళ్ళ చిన్నాన్న ఇమ్మీడియట్గా రావటం జరిగింది. వెంటనే میرچک پولیس نے شکایت درج کرنے کے اندرون 13 گھنٹے ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے کیس کو حل کیا. ایس پی میرچک ڈویژن کے مطابق ملزم 28 سالہ محمد اظہر الدین ولد محمد معین الدین ساکن گگن محل دومل گڑا کو گرفتار کیا گیا جس نے اپنی پہلی اہلیہ پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تفصیلات کے مطابق کنیز فاطمہ اس وقت اپنے دوسرے شوہر عبید بن عبداللہ ساکن یاقوت پورہ کے ساتھ رہ رہی ہیں. محمد اظہر الدین اس ارادے سے پہنچے تھے کہ وہ کنیز فاطمہ پر حملہ کریں. عبداللہ کی جانب سے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی گئی جس کے بعد کارروائی کی گئی. ان کو بھی شادی کرے, انہوں سیکنڈ ہسبینڈ ہے. بعد میں دونوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا, وہ ڈائیورس ہو گیا. فرسٹ ہسبینڈ سے انہوں فیملی ریلیشنس کنٹینیو کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے انہوں یہ سیکنڈ ہسبینڈ محمد اظہر الدین وہ کیسے تو بھی وہ فرسٹ ہسبینڈ کو نکالنا مرڈر کرنا, پھر بعد میں ان کا وائف عورت سے پھر کنیجا سے کنیجا فاطمہ سے وہ ریلیشن میریٹل ریلیشن کنٹینیو کرنا بول کے پلان کر کے ایک نائف لا کے دار شفا کے پاس کل نائٹ 9:30 PM کو اٹیک کرا. ان کے منہ میں اور فیس میں چاقو سے مارے کو انجوریز بھی ہوا. بعد میں اسکیپ ہوئے. نائٹ ڈیوٹی آفیسرس
उन्होंने कंप्लेंट दिए तो इमीडिएट मीर चौक पुलिस हमारा पेट्रोल व्हीकल्स ब्लू कोड्स पूरा सर्च करके अक्यूज की अरेस्ट करे। अभी ये है वो अक्यूज मोहम्मद अजारुद्दीन, हम रिमांड के लिए हाँ पीछे है सॉरी बहुत इनको अभी अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 307 आईपीसी में एफआईआर करके रिमांड के लिए कोर्ट को भेज रहे हैं हम। ऐसा आ देखते हैं फिर के बात की खबरें। तेलंगाना असम्बली में वक्फ़ सिफर के तहत मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने जो किए जा रहे हैं उस पर नज़रसानी का मुतालबा किया। जबकि एक और इमाम रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने सेवरेज के मसले को पेश करते हुए सेवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने की भी अपील की। तेलंगाना असम्बली में वक्फ सिफर के तहत मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने जो आयद किए जा रहे हैं उस पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास सिर्फ 2 घंटे फुटपाथ पर कारोबार करने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने सीवरेज के मसले को पेश करते हुए बताया कि सीवरेज निज़ाम बेहतर न होने की वजह से नालों का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिस पर उन्होंने सीवरेज लाइन को बेहतर बनाने के लिए नुमाइंदगी की। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बताया कि उनके ज़िले जगतियाल में डिग्री कॉलेज तो कायम कर दिया गया और उन्होंने उस कॉलेज में दाखिलों के निज़ाम को शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की। मैं शहर हैदराबाद के फुटपाथ पे कारोबार करने वाले गरीब लोगों के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ठेला बंडी के जरिए या फुटपाथ के जरिए जो लोग कारोबार करते हैं बरसों से, ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर जिसके कारोबार होते हैं उसको हुकूमत हमेशा मदद करती आती है, आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन चंद अरसे से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गरीब लोगों को अंधाधुंध चालानात किए जा रहे हैं और बेचारा एक दिन कमा के घर को जाता तो चूल्हा सुलगता उसका, लेकिन एक दिन की कमाई से डबल उसको जुर्माने किए जा रहे हैं और ये जुर्माने बेफैज है। हमारा एमआईएम पार्टी का मुतालबा है कि एक हाकर जून बनाया जाए, शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए फुटपाथ वालों के कारोबार को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके कारोबार को जारी रखना चाहिए। कोठी के अंदर कोठी इलाके में अंधाधुंध चालाना ट्रैफिक की तरफ से हो रही। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बड़ा फुटपाथ है जहां दुकान लगाने के बावजूद भी लोगों को जाने का रास्ता है, लेकिन वहां पर पता नहीं क्या बात है सिर्फ 2 घंटे कारोबार करने की इजाजत देते हैं, बाकी 20 घंटे फुटपाथ खाली रहता है। इस जानिब तवज्जो कीजिए, गरीब लोगों के लिए हमदर्दी कीजिए, चालानात में नजरसानी कीजिए, चालान गरीब को जो चालान कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए और बजाय। अध्यक्ष जनाब पाशा खादरी ने जो मुतालिबा किया फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं और जिनकी रोजी रोटी की सवाल है, जो मुतालिबा आपने किया इसका तवज्जो है, इस पर सरकार ज़रूर गौर करेंगी। एक्चुअली स्पीकर सर, जो शहर हैदराबाद में सीवरेज सिस्टम का जो मेन ट्रंक लाइन डाला गया था जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं सर, तो वो प्रोजेक्ट वर्क को पूरा मुकम्मल नहीं करके उसका जो गैप्स है सर, बीच बीच में गैप्स होते हुए गैप्स को अभी तक नहीं मिला है सर, तो कई सीवरेज लाइन नालों में मिली हुई है जिसकी तरफ से रिवर्स मार के ओवरफ्लो हो रहा है सर। स्पेशली नोबल टाकिस के जंक्शन के ऊपर एक मेजर गैप है सर, अगर वो गैप को अगर मिला देंगे तो ऊपर एरिया के अंदर जितने भी सीवरेज के प्रॉब्लम हो रहे हैं जैसा रेयान होटल है और भी आगे तक, वो पूरी लोकेलिटी ठीक हो जाती साहब। तो मेरा आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि गैप्स को आप पूरे शहर के गैप्स को, मैं पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे गैप्स को मिलाइए तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मिनिस्टर अध्यक्ष जाफर हुसैन साहब ने, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो मुद्दा उठाया सीवरेज सिस्टम के डिफिशिएंसी, जरूर उस पर गौर करेंगे सर।
ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی رام راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد میٹرو ریل پرانے شہر میں شروع کرنے کے سلسلے میں ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور عنقریب پرانے شہر میں بھی میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا جائے گا اور بتایا کہ 28 نومبر کو وزیراعظم نریندر مودی میٹرو ٹرین کا افتتاح عمل میں لائیں گے۔ میٹرو لائن کے تعمیری کاموں کے لیے ریاستی حکومت 1.5 کروڑ روپے منظور کر چکی ہے۔ اس مسئلے پر بی جے پی اور کانگریس نے ایوان سے واک آؤٹ کیا جبکہ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے تعمیری کام شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی اراکین اسمبلی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد میٹرو ریل پرانے شہر میں شروع کرنے کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور عنقریب پرانے شہر میں میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ناگول تا میاں پور تک پہلی میٹرو لائن کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی 28 نومبر کو انجام دیں گے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ میٹرو لائن کے تعمیری کاموں کے لیے ریاستی حکومت نے 3000 کروڑ روپیے اور مرکزی حکومت نے 1458 کروڑ روپیے مختص کیے ہیں اور اسی مسئلے پر بی جے پی اور کانگریس اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کیا جبکہ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے فوری طور پر پرانے شہر میں میٹرو لائن کے تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا۔ قابل ازیں کشن ریڈی نے میٹرو لائن سے متعلق بتایا کہ میٹرو لائن کے تعمیری کاموں کا آغاز 2003 میں شروع کیا گیا تھا۔ صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے پرانے شہر میں میٹرو لائن کے تعمیری کاموں کا آغاز نہ کرنے کی وجوہات اور کتنی ٹرینیں چلانے کا منصوبہ ہے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ میٹرو ریل اور ایم ایم ٹی ایس پہ ہے، اچھی بات ہے سر، مگر ہماری پارٹی، ہمارے فلور لیڈر صاحب ریگولر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میٹرو اولڈ سٹی میں کب آئے گی، مگر ابھی تک منسٹر صاحب تو نومبر اینڈ کے اندر فرسٹ میٹرو 30 کلومیٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے صاحب، مبارکبادی کے قابل ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اولڈ سٹی کے اندر بار بار مجلس اتحاد المسلمین یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اولڈ سٹی میں جلد سے جلد میٹرو ریل کا کم سے کم ورک تو اسٹارٹ کریے، آپ فلک نما کے اندر ریلوے اسٹیشن کا تو کام شروع کریے صاحب، مگر ابھی تک اس کو میٹرو کے بارے میں بات نہیں ہوئے۔ ہر چیز جب بھی میٹرو آ رہی ہے شہر کی بات کر رہے ہیں سر، مگر آج پرانے شہر کی عوام ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس میٹرو کب آئیں گی، چونکہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کام بہت فاسٹ کریں گے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ میٹرو کا کام اولڈ سٹی میں جلد سے جلد چالو کریے، چونکہ لاسٹ اس کے اندر بھی اسپیچ میں ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ میٹرو کا کام جلدی چالو کریے اور ایک پورے سٹی ایم ایل ایس کو بلائیے اور جلد سے جلد اس پہ ایکشن لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سکندرآباد 26.2 کلومیٹر، فلک نما امدا نگر شمشاباد ایئرپورٹ 20 کلومیٹر، వీటన్నిటికీ సంబంధించి మొత్తం 817 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది అధ్యక్ష. ఈ 817 కోట్లలో కేవలం ఒక మూడవ వంతు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, మూడింట రెండు వంతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పెట్టాల్సి వస్తుంది. అది మనం వారితో ఉన్న అంగీకారం ఒప్పందం కూడా అని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఎంఎంటిఎస్ని టియర్ 2 సిటీస్ కూడా మీరు ఇంకా విస్తరించండి అని కోరారు. ఆ క్రమంలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ క్రమంలోనే మరి యాదాద్రి వరకు కూడా దీన్ని పొడిగించే ఒక ఆలోచన చేసిన విషయం, దానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించి బడ్జెట్లో కూడా పెట్టడం, రైల్వే బడ్జెట్లో తదనుగుణంగానే పనులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మొదట రాయగిరి, తదనంతరం యాదాద్రి, తదనంతరం ఇంకా ఇతర నగరాలు కూడా మరి విస్తరించే అంశాన్ని కూడా తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్షం. మెట్రో గురించి చాలా అనవాలని చెప్పి మనకు మన అగ్రిమెంట్ కండిషన్ ఉంది అధ్యక్ష, ఎంత లోతులోకి పోయామో చెప్తాను. అసెంబ్లీ ముందు నుంచి పోకూడదు అనుకున్నప్పుడు మరి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు పరిశీలించాం అధ్యక్ష. మార్గాలు పరిశీలించినప్పుడు ఒక మార్గం జూబ్లీ హాల్ పక్క నుండి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన శాసన మండలి ఏదైతే ఎక్కడైతే కొలువు తీరిందో అధ్యక్ష, దాని పక్క నుండే వస్తూ ఉంది. మనకు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏమంటే ఒకవేళ ఆ మార్గం గుండా తీసుకుపోయినట్టయితే జూబ్లీ హాల్కే ప్రమాదం ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి అటువైపు వద్దు అని చెప్పి వారు వారిస్తూ రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. కాబట్టి అదే రకంగా మొన్న అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా చెప్పినారు అధ్యక్ష, ఫేజ్ 2 విషయంలో
ریاستی وزیر باقری جگدیش ریڈی نے آفس سوالات کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گزشتہ 3 سالوں کے دوران 2792 میگا واٹ برقی شمسی توانائی کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور حکومت نے سال 2019 تک 5000 میگا واٹ برقی تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور بتایا کہ ریاست میں برقی قلت پر قابو پانے کے لیے حکومت نے کئی ایک اقدامات کیے ہیں۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی جیمن ریڈی نے قبل ازیں حکومت سے دریافت کیا تھا کہ برقی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے وقفہ سوالات کے دوران ٹی آر ایس رکن اسمبلی جیون ریڈی کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے پاس شمسی توانائی کے ذریعے 2019 تک 5000 میگا واٹ برقی تیار کرنے کا منصوبہ موجود ہے اور حکومت نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے برقی قلت پر قابو پانے کے لیے ریاست میں 2792 میگا واٹ برقی شمسی توانائی کے ذریعے تیار کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اقدامات بھی جاری ہیں۔ قبل ازیں ٹی آر ایس رکن اسمبلی جیون ریڈی نے یہ دریافت کیا تھا کہ آیا حکومت کے پاس کتنی شمسی توانائی تیار کرنے کا منصوبہ ہے اور برقی قلت پر قابو پانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ پرپنچ ویاپتنگا گوڑا منا چوستا ہونو انی دیشال گوڑا تھرمل ویدیوت والا اچھے پولیوشن ہے دیتے ہوندو دن والا اچھنا ابندلو باٹ دوشل بیٹ کونے అంతటి కూడా ఈ సోలార్ కానీ ఇతర సాంప్రదాయత వనరుల ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలని చెప్పి దాంట్లో భాగంగా భారతదేశం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పాలసీ తీసుకున్నది అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు। మరి దాంట్లో భాగంగా మనం కూడా ఒకవైపు సోలారు ఇంకొక వైపు పవన విద్యుత్తును కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష। అయితే దీంట్లో ప్రధానంగా మనం సోలార్ విద్యుత్ కానీ పవన విద్యుత్ కానీ ఇతర విద్యుత్తును దాన్ని డిపెండబుల్ పవర్ అని చెప్పి ఆధారపడదగిన విద్యుత్ కాదు అని చెప్పేసి అని మనందరు తెలుసు అధ్యక్ష। కాబట్టి తప్పకుండా ఎక్కడైనా అక్కడ రాష్ట్ర అవసరాలు అక్కడ ప్రాంత అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతనేమో తప్పకుండా ఆధారపడదగ్గ నమ్మకమైన విద్యుత్। ریاست داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی میں تلنگانہ گیمنگ بل کو پیش کرتے ہوئے مباحث کے بعد اس بل کو منظور کروایا۔ اس سے قبل مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے ریاست داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی بھی گیمنگ ہو چاہے سٹا ہو یا پھر کرکٹ بیٹنگ اور دیگر گیمنگ میں شامل افراد کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور انہوں نے اس بل کی تائید بھی کی۔ سو یا کوئی بھی گیمنگ ہو سب کو تو میرا ایک ہی آپ کے ذریعے سے سوال ہے میڈم کہ جب اپن ایکشن لے رہے ہیں تو مکمل ایکشن لینا چاہیے تاکہ کدھر بھی گیمنگ نہ ہو چونکہ ایک بازو اپن بند کرتے ہیں تو لوگاں 10 راستے نکالتے ہیں جس کے اندر غریب آدمی معصوم آدمی پریشان ہو رہا اور جیسا ہوم منسٹر صاحب نے کہا خاص طور سے لیڈیز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے میڈم جو غریب لوکیلٹی رہتی ہے اس کے اندر سٹا مٹکا ایسے چیزاں اتنے زیادہ چل رہے ہیں جس کے طرف سے غریب لوگ بہت اس میں انوالڈ ہو کے وہ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسا میرے ساتھی نے کہا کرکٹ بیٹنگ تو عام ہو گئی ہے مگر بڑے لوگوں کے لیے ہے تو اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے چونکہ ان لوگ بالکل ایسے ہو گئے کرکٹ بیٹنگ کے خاطر وہ لوگ ڈبلیو سی سی یعنی وائٹ کالر کرمنل بن گئے ہیں صرف بیٹنگ کے خاطر وہ پیسے خرچ کرنے کے خاطر میڈم۔ تو یہ سب کے علاوہ یہ بل بہت اچھی ہے ہم اس بل کی ہماری پارٹی کی طرف سے تائید کرتے ہیں اور اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن بھی لینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ این ایس ایل فٹ اسپورٹس چیمپئن شپ میں بہترین مظاہرہ کرنے والے حیدرآبادی نوجوان کو امریکہ میں دوسرا مقام حاصل ہوا۔ مذکورہ نوجوان جب حیدرآباد میں واقع شمش آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کا پرتپا خیر مقدم کیا گیا۔ این ایس ایل فٹ اسپورٹس ورلڈ چیمپئن شپ 2017 میں حیدرآبادی نوجوان اکبر حسین ولد راشد حسین نے بہترین مظاہرہ پیش کرتے ہوئے دوسرا مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اس چیمپئن شپ میں تلنگانہ ریاست کی نمائندگی کی تھی۔ ایئرپورٹ سے جلوس کی شکل میں انہیں لایا گیا اور مختلف شخصیتوں کی جانب سے انہیں تہنیت بھی پیش کی گئی۔
اسد بابا نگر کے ساکن ایک خاتون سمرین کے بارے میں بہادرپورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے کہ وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ گم شدہ ہے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن میں نجیم انیسا ساکن اسد بابا نگر کشن باغ نے شکایت درج کروائی کہ ان کی بہو سمرین اپنے تین بچوں کے ساتھ لاپتہ ہے۔ تقریباً 10 نومبر کو وہ گئی تھی اور اس کے بعد واپس نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ان کے شوہر کی جانب سے ان کی بیٹی کو مارے جانے پر غصہ ہو کر وہ چلی گئی تھی، جس کے بعد واپس نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں بہادرپورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی، اس کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعلیٰ کے سی آر کے اعلان کے بعد اسمبلی میں تحریری جواب اردو میں تقسیم کیے گئے، اردو صحافیوں اور اراکین اسمبلی میں خوشی کی لہر۔ ریاست کے کسانوں کو یکم جنوری 2018 سے 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جائے گی، وزیراعلیٰ کے سی آر نے اسمبلی میں کیا اعلان۔ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین پروجیکٹ کے لیے کمیٹی کی تشکیل، میٹرو ریلوے لائن کے لیے 1.5 ہزار کروڑ روپے منظور، ریاستی وزیر کے ٹی آر کا اسمبلی میں بیان۔ سرو نگر اور میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں رہزنی کی وارداتیں، طلائی زیورات اڑا لیے گئے، رچہ کنڈا کمشنر نے لیا سخت نوٹ، متعلقہ پولیس کو کاروائی کرنے کی دی ہدایت۔ ملے پلی افضل ساگر کا ساکن 19 سالہ نوجوان کواری تالاب میں غرقاب، سیلفی لینے کے دوران پیش آیا حادثہ، آر جی آئی پولیس نے کی ضابطے کی کاروائی۔ ایسے کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔